लेक्चर और हेडमास्टर की कोर्स की जरूरत नहीं है, अब आप लोग उसमें हो जाओगे। लेकिन क्योंकि प्लेसमेंट सारी नहीं हुई है, सब जगह पे नहीं हुई है, क्योंकि अभी उन्हीं लोगों की तनख्वाह अलग से निकल रही है, इसलिए अभी ये ऑर्डर नहीं किए गए। बट ठीक है, ठीक प्रोसेस है, बट दिस इज माई जॉब, आई अश्योर यू आई विल डू इट विद नो, मतलब जितना अर्ली मैं कर सकती हूँ, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है मेरे लिए, मैं उतना जल्दी इसको करने की कोशिश करूंगी। बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी एंड कोऑपरेट। 2018 में सैक का पहला डिसीजन आया, ठीक है, अब एक साल होने वाला हो जाएगा, 2 महीने 10 महीने नहीं, ठीक है। तो आरईटी रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, आरईटी का Grade 2 Grade 3 इतने महीनों हम उसी में लगे रहे, वो सारा एक किस्म से थोड़ी कुछ हद तक हम उसमें स्ट्रीमलाइन हमने कर लिया है। उनकी तनख्वाह जो निकलनी थी वो मार्च ऑनवर्ड्स हमने, मैटर ऑफ टाइम, आपने बहुत हिम्मत रखी, बहुत पेशेंस रखा और आपने बहुत साथ दिया, बल्कि मैं सब लोगों का शुक्रिया करूंगी, आप लोगों ने इन 10 महीनों में मेरे साथ हर कदम पर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि अब जस्ट कुछ दिनों की बात, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, थोड़ा सा पेशेंस मेरे साथ और रखो, कोई ऐसा मसला जो नहीं है जो रिजॉल्व नहीं होगा। अभी भी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हमारे, इनका वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है वो हमारे रूबरू, हम जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, और जहां जब आते हैं तो एक सामने एक टेबल पे हम लोगों को जो दूर है, जहां एक नजदीक इनके बैठने का मौका मिला है, और उन्हें बहुत से मसले हमारी फॉर्म को मद्देनजर रख के, और हमें तो इतना मालूम नहीं होता है जितना एक ऑफिसर को होता है, लेकिन कहीं जो हमें कम होता है तो इनको ज्यादा होता है। उन्हें हमेशा हमें अपनी सबको वही बातों से, हमें डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है उसके बारे में, और हमारे जितने मसले रोज रोज उभरते रहते हैं उनको हल करवाने में हमेशा पेश रही हैं। हम रोज पेपरों में देखते हैं, और हमें आगे भी उम्मीद है कि जो हमारे मसले हैं जो आज भी हमने इनके सामने यहाँ पर रखे, और एक हमें जो इन्होंने कीमती अपना टाइम दिया उसके लिए हम अजहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूपिंदर सिंह, सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर एवरेज तालीम टीचर्स फोरम। आज हमारा एक डेलीगेशन जम्मू प्रोविंस का वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता जी से मिला उनके यहाँ पे ऑफिस में, और जो भी जम्मू के अंदर पेश आ रही हमारे शिक्षकों को समस्याएं हैं वो हमने यहाँ पे रखी हैं, और जिसमें एक हमारे जो अरजोरी जिले के जो आदिब कामिल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनकी जो Grade 2 और Grade 3 की जो पेंडेंसी रह रही है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, और मैडम ने हमें श्योर किया कि जल्दी जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा और सभी लोगों को ऑर्डर मिले हो जाएगी। और भी जो इश्यूज थे हमारे छोटे छोटे रेगुलेशन के जो पेंडिंग फाइल्स के वो सारे हमने रखे, और हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर मैडम की क्यादत में जहां सारे मसले हल हुए हैं और आने वाले टाइम में सारे हल होंगे। आपको क्या लगता है कि मीटिंग कितनी फ्रूटफुल रही? सर, मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रही, और हमने जम्मू कश्मीर के अपने नौकरी और अपने ट्रेड यूनियन के इतिहास में पहले ऐसे डायरेक्टर देखे जो लोगों से इतने पास से मिलते हैं, नजदीकी से। अदरवाइज ब्यूरोक्रेट जो लोग होते हैं वो मिलते ही नहीं है, उनको क्या तकलीफ है लोगों का। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैडम है बलिबांती एक एक शिक्षक की प्रॉब्लम से को जानते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हल भी करेंगे, और हमारी मीटिंग बहुत ही बेहतरीन माहौल में और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इनके साथ हुई।